ऐसा तो हमें कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं जैसे इस साल था। ये तो पुराने वक्त में, पुराने ज़माने में ऐसा होता है, आज से कोई 30 साल 35 साल पहले। इस साल जो फ्रूट है पूरा डैमेज है, स्केप है ज़्यादा। इसकी मेन रीज़न जो है वो है ये कि दवाई बहुत ख़राब थी, इसलिए ये बहुत ख़राब है। दवाई का पूरा चेक नहीं किया, बहुत कंप्लेंट भी की हमने दवाई सेंटर से जो इसके साथ काम करते हैं, एग्रीकल्चर वालों के साथ भी बात की, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आगे रेट नहीं मिल रहा है इसका, दवाई के पैसे भी खुद के जेब से देने पड़ता है, माल से कुछ वापस ही नहीं आ रहा है। रेट भी डाउन है क्योंकि माल ही ऐसा है कि रेट नहीं मिल रहा है। तो रेट कितनी मिल रही है? ये यही 200 तक बेच देते हैं, 150-200। और खर्चा कितना आता है? खर्चा एक बीड़ी में 250-300 खर्च आता है, उतना ये वापस नहीं दे रहा है। अभी हम कैसे बोलेंगे नुकसान कोई नहीं है। इस साल आप देखिए रेट अच्छा आ रहा है। इस साल आपके एप्पल का यहाँ है जो गाला है, गाला का 150 भी हो गया किलो पर के जी। आपका पियर जो था बगोगोशा 100 रुपये भी यहाँ बिका। आपका नाक भी अच्छा रेट में जाता है। वैसी बात नहीं है, रेट्स अच्छे हैं। और हमने टेकअप किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हमें इस साल भी MIS की फैसिलिटी दी जाए, एंड वी होप कि वो हो जाएगा। बहुत बड़ा नुकसान है सर, नुकसान ही नुकसान है। एक नंबर माल ही नहीं है सारा, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो इसका क्या, सारा नुकसान ही नुकसान है। आप सबको ये पता है कि जो ये बीमारी सेबू में हो गई है, जिसकी वजह से मार्केट पूरा डाउन हो चुका है। हमारी सेबू का कोई वैल्यू ही नहीं रहा और हमारे सेब बिक भी नहीं रहे, कोई लेने के लिए तैयार भी नहीं है। इस वजह से हम पूरे परेशान हैं, पता नहीं हम क्या इन सेबू का करेंगे। लगता है कि इस साल प्रोडक्शन कम होगी बनस्बत लास्ट ईयर, क्योंकि उसमें 2 कारण हैं। एक कारण ये है कि पॉलिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाई कि इस साल क्लाउडी और बारिशी मौसम रहा, और बाहर से हम क्या आते हैं वो बीहाइव्स आती हैं, तो उनसे भी पॉलिनेशन में काफ़ी सारा अच्छा होता है, हमारा पॉलिनेशन परफेक्ट होता है। वो आने में थोड़ा कोरोना की कोविड की वजह से वो लेट आ गए। इस साल तो दवाई का मेरे ख्याल चेक नहीं हुआ था, तभी तो ये हालत हुआ था इस साल। मेरी अपील यही है गवर्नमेंट से कि अब ये जो फार्मर्स है या फ्रूट वाले हैं, फॉरवर्डिंग एजेंट हैं, इनको कुछ कंपनसेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि माल पूरा ख़राब है और दवाई के पैसे भी नहीं वापस मिल रहे हैं। वो ट्रकें वहाँ से अलाउ नहीं हुई, आपको पता पूरा ट्रांसपोर्टेशन बंद था, पूरा सिस्टम बंद था, तो उस वो भी एक कारण हो सकता है प्रोडक्शन कम होने का। मैं यूपी से हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ मैं सेब का काम करने आया सर, लेकिन ये साल पता नहीं क्या हुआ सेब को, सेब में तो सब खराब हो गया। पिछले साल ये टाइम बहुत बढ़िया सेब था, लेकिन ये साल सब सारे बगीचे बेकार हो गए। हम 1 नंबर माल ढूंढ रहे हैं, 1 नंबर माल ही नहीं मिल रहा है हमको कहीं, सारा 2 नंबर 3 नंबर माल हो गया। ये सेबू में बीमारी है, आप भी खुद भी देख सकते हो। ये सेब खाने के लायक नहीं है, ये कोई खा नहीं सकता है। हमें ये नहीं लग रहा है कि जो हमने दवाई इसमें खाद वगैरह डाल दिया है तो वो भी पैसा हमें वापस मिलेगा। हमें लग रहा है हमें जेब से ही अपना ही पैसा इसमें खर्चा करना पड़ेगा और ये सेब हमें फेंकने पड़ेंगे। ये साल तो सब बगीचे वाले ही पट हो गए, हम भी बेकार हो गए, हम भी मतलब हमें भी कोई मतलब फ़ायदा नहीं है, लॉस ही लॉस है। कश्मीरी बेचारे, कश्मीरी भी मर गए, क्या करें, कश्मीरी भी मर गए। गवर्नमेंट को इसमें देखना चाहिए कि ये दवाई जो है ये 2 नंबर है, इसमें ये देखिए ये इसमें कौन कौन मुलविस है जो दवाइयाँ 2 नंबर भेज रहे हैं, जिससे बगीचे वालों की प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ जो हमारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं राजबाग में, लाल मंडी में, वहाँ टेस्टिंग होती है। क्रॉस चेक इसका फरीदाबाद में होता है, तो उतना नहीं है जितना हम कहेंगे कि बस सब डुप्लिकेट है, सब फ्रॉड है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको 1000 में 2 टेस्ट खराब आते हैं तो उसका मतलब नहीं है आपका पूरा खराब है। नहीं, इस साल इतना खर्चा पूरा नहीं हो जाएगा, दवाई का खर्चा पूरा नहीं होगा तो बारदाने का किराया बढ़ा, तो पैसा कहाँ आएगा इसको? जब माल ही सही ना तो इसको लेगा कौन, खाएगा कौन? इसको आदत सेब है, ये सेब की हालत है क्या? हर जगह यही हालत है सेब की। गवर्नमेंट ने ये बताया था कि रेट अगले साल बहुत अच्छी मिलेगी, मगर मुझे नहीं लग रहा है कि वो रेट मिल रही है जो हम चाहते हैं, क्योंकि आप सबको पता है जो ये धारा 370 हटी तो उससे बताया गया कि रेट बढ़ जाएगी, कश्मीर में बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, मगर मुझे नहीं लग रहा है किसी भी हद तक ये सही निकला। सर हमने पिछले साल सही पैसा कमाया, बढ़िया माल था, जिस बगीचे में जाते थे तो बढ़िया एक नंबर माल मिलता था। ये साल हम पूरा टाइम पूरा दिन घूमते हैं लेकिन हमको एक नंबर माल ही नहीं मिलता। अगर आप देखोगे तो हर जगह यही हालत है, सेबों का मिनिमम 10% साफ निकलता है, 90% यही आता है मंडी में, ना इसका में रेट मिलता है आगे, ना यहाँ ना आगे तो पीछे। तो हमारा सब कुछ यही था, सेब ही था। इसके अलावा हमें क्या, अगर गवर्नमेंट को हम इल्ज़ाम करते हैं कि अगर दवाई हमको साफ मिलेगा, इतना हालत नहीं हो सकता हमको। हमें लग रहा है हमें ये सेब फेंकने पड़ेगी क्योंकि इनका कुछ रेट ही नहीं मिल रहा है।